फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त जीत और आज हम सीखेंगे एक सुंदर सा पोस्टर रंगोली। इसके लिए हमने 45 इंच बाय 16 इंच लिए, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इंच में मेजरमेंट लिया। बीच में एक लेडीज बनाना है, ड्रॉ करना है पहले फेस, उनकी बॉडी, हाथ में एक दिया और एक हाथ पीछे जमीन पर टिके हुए और ये बैठे है। सर पे एक चुनरी, दुपट्टा और ये ड्रेस। तो ये सिंपल सा स्केच बनाना है और साइड में एक कलश, एक दो पत्थर और कुछ घास और दो तीन फूल। पीछे खाली जगह है तो यहाँ पर हम एक इनके घर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक घर दिखाया छोटा सा, कलर फिल करते इनको मिट्टी के घर दिखाना है। तो यहाँ पर हमने ब्राउन कलर यूज़ किया। ब्राउन कलर बनाने के लिए रेड और ब्लैक के साथ मिला के ब्राउन बना सकते हैं। ऊपर जो डार्क ऑरेंज है वो ऑरेंज, डार्क ऑरेंज दिए। उसके बाद लाइट ऑरेंज से कुछ रेशा, यदि लाइट ऑरेंज नहीं है तो आप डार्क ऑरेंज में थोड़ा सा येलो मिला के लाइट ऑरेंज बना सकते हैं। थोड़ा डार्क देने के लिए ऑरेंज में ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क किए। घर में भी थोड़ा सा डार्क करने के लिए कत्था में थोड़ा ब्लैक मिला के डार्क किए। और जो दरवाज़ा है वहाँ पर पूरा ब्लैक कर दिए। अभी जो बैक पीछे के बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में जो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, वो फिलर से फिल कर देंगे। थोड़ा सा डार्क दिखाना है इसलिए ब्लू में और थोड़ा सा ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क किए। इसके बाद फिगर में कलर भर दे। इनको जो चुनरी है वो येलो कलर से फिल करना है। हेयर में ब्लैक, इनके जो दुपट्टा है, दुपट्टा का जो पट्टा है उनको हम एक तो रेड दिखा सकते हैं या वॉयलेट। मैंने यहाँ पर वॉयलेट दिखाया, डार्क ऑरेंज है कुछ डॉट, ब्लैक से लाइनिंग। सिर्फ ना फेस कलर बनाएंगे। फेस पर कलर बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा वाइट लेना है, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा पिंक। इतना बना लीजिए ताकि एक ही इसमें सभी फेस, हाथ, जो बॉडी का कलर है वो पूरा हो जाए, कम नहीं गिरना चाहिए। तो फेस में कलर भरने के लिए पहले जो आईज है और आईब्रो है उसको ब्लैक से आउटलाइन कर लेंगे ताकि वो मिट ना जाए। अब लिप को भी पहले आउटलाइन कर सकते ताकि बाद में दिक्कत ना जाए। आईज के अंदर वाइट थोड़ा शेड देने के लिए जो फेस कलर बनाए थे उसी में थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करके शेड बनाएं। आप चाहे तो जो कलर बना था उसमें आप थोड़ा ऑरेंज डाल के भी बना सकते हैं शेड। ब्लैक से आईज बनाना है, बिंदिया की लिप, की नाक, ये माथे के बिंदिया, कान में कुंदन, इनके बाद जो हाथ में स्किन कलर भरना है, ये
इनको भी थोड़ा सा शेड देना है। फिर यहाँ पर डार्क पिंक कलर भर रहा हूँ। कम जगह है तो हाथ से फिल करना है, इनको भी थोड़ा शेड देने के लिए थोड़ा सा ब्लैक, ये जो पिंक कलर यूज़ किया उसी में थोड़ा सा ब्लैक मिला के डार्क करना है। फिर इनके जो हाथ में चूड़ियाँ है इनको व्हाइट कलर से दिखाना है, इसलिए बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क किए, एकदम डार्क ब्लू ना करते हुए डार्क ब्लू को थोड़ा सा व्हाइट मिला के फीका किए और फिर वो कलर भरे। उसके बाद ब्लैक कलर से आउटलाइन करना है। और फिर वाइट कलर से इस प्रकार के रेशा देना है तो चूड़ी जैसे दिखेगा वो। ठीक है, सिंपल में। अब इनके जो लहंगा है यहाँ पर ऑरेंज कलर देंगे। उसके बाद इसका जो शेडो है या जो लाइनिंग है फोल्ड है वो ब्लैक रेड कलर से दिखाएंगे। और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो येल्लो है वो येल्लो टच दिए। पीछे जो खाली जगह था यहाँ पर ज़मीन दिखाएंगे तो ज़मीन थोड़ा सा ग्रीन दिखाएंगे, ताकि जो ऑरेंज कलर हमने ऐड किया इधर तो ऑरेंज और ग्रीन अच्छा लगे। यहाँ पर भी शेड देंगे डार्क ग्रीन। और फिर छन्नी में दोनों कलर को लेके मिला के इनको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो ऐसे एकदम खाली खाली लग रहे इसलिए यहाँ पर थोड़ा कुछ फूल भी बना लेंगे। डार्क ग्रीन को और ग्रीन करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक मिला सकते हैं। तो जितना डीप शेडिंग रहेगा उतना ही जो पोस्टर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर सिंपल तीन चार फूल बना लेते, उंगली से फ्लैट करना है येलो और बीच में थोड़ा सा रेड के डॉट, तो ये सिंपल सा फूल बन गया। कुछ इस प्रकार के घास बना सकते। यहाँ पर डिजाइन बनाना है इसलिए बैकग्राउंड में जो वायलेट कलर वो वायलेट कलर दिए और फिर रेड सफेद कलर से आउटलाइन और दो तीन फूल बनाना है तो डॉट देना है। और जो ब्रश के जो लकड़ी होता है उससे खींच के फूल बनाना है। और ये फूल के बीचों बीच थोड़ा सा अलग अलग कलर देना है ताकि थोड़ा सा कलरफुल दिखे। नीचे भी थोड़ा डॉट डॉट देंगे इससे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो डॉट दिए अभी आप बॉर्डर देने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉर्डर देने जाएंगे तो ये थोड़ा सा दब जाएगा। चलिए, जो बैकग्राउंड है जो मेन काम हमारा हो गया, अभी बैकग्राउंड थोड़ा जल्दी फिल हो जाएगा क्योंकि बड़ा जगह है और जो छन्नी है इससे जल्दी फिल होता है। और इसको दोनों कलर को ब्लेंड करने के लिए भी हम छन्नी यूज़ करते हैं तो वो भी जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। हमने ऑरेंज रेड पर्पल और जो इंडिगो ब्लू है या डार्क ब्लू है अभी दोनों जैसे रेड और ऑरेंज को मिलाना है तो दोनों को छन्नी में मिला के उसको ब्लेंड करना है। रेड और वायलेट को भी ऐसा और वायलेट और ब्लू को भी समान मात्रा में छन्नी में लेके इस प्रकार से इनको मिला देना है। जो दिया है इसमें भी ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हैप्पी दिवाली लिखेंगे, थोड़ा ज़्यादा जगह है तो थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे, थोड़ा मोटा करके। ठीक है, ये बचा है ये मड़की,
इसमें भी हम कत्था कलर दिखाएंगे। नीचे दो स्टोन दिखाना है ब्लैक कलर से, और ये जो मड़की है कलश है इनको भी ब्लैक से आउटलाइन देंगे पहले, उसके बाद शेड और थोड़ा सा डिजाइन देंगे। ठीक है, तो लाइट उधर से आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ भी थोड़ा सा शेड देंगे ताकि थोड़ा सा लाइट की इफेक्ट आए। इस साइड में थोड़ा ब्लैक शेड देंगे। कलश को हल्का सा डिजाइन देंगे वाइट से ताकि थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल लुक है हमारा वो ट्रेडिशनल लुक दिखे। ठीक है, ये कंप्लीट कर ली। अब इतना जितना खाली जगह था ये भरने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पत्तियाँ और दो तीन सीधा लेना है ग्रीन कलर से, और यहाँ पर तीन फूल बनाना है। तो ये साइड भी कवर हो रहे हैं और जो फूल है ये भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद बॉर्डर बनाने के लिए एक स्केल अंदर रखना है यानी रंगोली के ऊपर, एक स्केल बाहर रखना है जितना मोटा हमें बॉर्डर बनाना है, और रंगोली फिलर से फिल कर देना है। तो इस प्रकार चारों बॉर्डर बनाएंगे। जो ऊपर रंगोली के ऊपर जो स्केल रखते हैं वो थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा ताकि रंगोली खराब ना हो, ऐसे भी खराब नहीं होता। यदि आप सब पे टाइल्स पे बनाते हो तो आप ब्लैक से बॉर्डर दे सकते हैं, यदि कोई ग्रे कलर के टाइल्स पे बना रहे हो तो वाइट से आउटलाइन मतलब जो बॉर्डर है वो वाइट से दे सकते हैं। तो ये बन गया हमारे सुंदर सा एक पोस्टर रंगोली। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबाकर लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली दीपावली आपके जीवन में ढेरों सारे खुशियाँ लाए। दिवाली की एडवांस में आप सभी लोगों को विश यू हैप्पी दिवाली। मिलते हैं इस प्रकार के सुंदर सुंदर रंगोली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।